ये मार्केटिंग करते हैं खाली अपनी, ये विकास नहीं करते हैं। आप बजट भी अगर देख लीजिए तो बजट में किसान विरोधी है। इन्होंने इन्होंने किसान इन्होंने फूड सब्सिडी 2.87 लाख करोड़ से कम करके 1.97 लाख करोड़ कर दी। इन्होंने फर्टिलाइजर सब्सिडी 2.25 लाख करोड़ से 1.75 लाख करोड़ कर दी। अब आप ये बताइए, जब आपने फर्टिलाइजर का बजट कम कर दिया है तो किसान तो खेती में जो इनपुट कॉस्ट है वो तो बढ़ जाएगी ना। जब इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो किसान प्रोडक्शन कैसे करेगा, उसकी आप आय कैसे बढ़ाएंगे, मुझे इस बात का दवा जवाब दे दीजिए। आज भारत की जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है उसमें अराउंड 45% एग्रीकल्चर से आता है। आनंद भाई जी जवाब दीजिए, इन्होंने खत्म कर दिया है। जवाब दीजिए जल्दी से। इन्होंने अमीर को अमीर किया है, गरीब को गरीब। सवाल उठा रहे हैं केदवाई साहब, सवाल उठा रहे हैं, जवाब भी लीजिए ना। और सुन लिए 20 सेकंड का बस खाली मुझे टाइम चाहिए। ठीक है 20 सेकंड लीजिए, जल्दी से खत्म कीजिए। आज हिंदुस्तान में एक इंडिया है और एक भारत है। इंडिया में तो 166 बिलियनेयर कर दिए, मगर भारत में 23 करोड़ जनता आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रही है। ठीक है बोलिए, आज इन्होंने गरीब बोलिए जवाब दीजिए कर दिया है। ठीक है मोटरसाइकिल, ठीक है किदवई साहब, हो गया किदवई जी, थोड़ा छोटा छोटा रखिए भाई। पकौड़े ठीक है, तेल भी गायब हो गया। बोलिए दुबे साहब बोलिए, आनंद दुबे जी अपनी बात रखिए। हाँ बोलिए आनंद दुबे जी। देखिए बड़ी एक चीज, जिन लोगों के समय में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें बेच दी गई, जिन लोगों के समय में चीनी मिलें बंद हो गई, जिन लोगों के समय में किसानों का भुगतान नहीं होता था, जिन लोगों ने गन्ना किसानों का सरकार छोड़ के गए तो 20,000 करोड़ रुपए उधार लगा के गए, वो यहाँ बैठ के किसानों की बात कर रहे हैं। इनका हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इनका नारा है सबके साथ घात, सिर्फ परिवार का विकास और सिर्फ परिवार पर विश्वास और बाकी सब बकवास, यही इनका नारा है। और इसीलिए जनता ने 2014 से लेकर अब तक बार बार इनको यही संदेश दिया है कि अभी आप घर जाइए आराम करिए और जनता से जुड़ने की कोशिश करिए। आपने पूरी तरह से पूरी तरह से भारत लेने वाले कर दिया। ठीक है राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी राजनीति करने वाले, आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने वाले, राजीव जी ठीक है, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे राजीव रंजन जी, लेकिन किदवई साहब यहाँ पर एक बात कह रहे हैं 2022 की। ठीक है किदवई साहब, ठीक है ठीक है किदवई साहब, ठीक है राजीव रंजन जी को चर्चा मिलाइए, राजीव रंजन जी को चर्चा मिलाइए, राजीव रंजन जी ठीक है, दुबे जी हो गया, आनंद दुबे जी हो गया, किदवई साहब हो गया, राजीव रंजन जी इंडिया में पैदा कर दिए, राजीव रंजन जी रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए, ऑडियो डाउन करना पड़ेगा, समय नहीं है। राजीव रंजन जी देखिए एक बात तो किदवई साहब कह रहे हैं ना कि ठीक है आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, बहुत सारी बातें हैं उस पर चर्चा होती रहेगी सत्ता पर और विपक्ष के बीच में, लेकिन किदवई साहब कह रहे हैं कि क्या शुरुआती दौर पे हमने लीड नहीं ली थी जब बैलेट से हमारे रिजल्ट रोजाना आने शुरू हुए थे। आपको याद होगा रिजल्ट वाले दिन हम लखनऊ में ही थे विधानसभा के सामने और हम लोग देख भी रहे थे। बोलिए। हाँ शुरू में कुछ क्षणों तक इन्होंने लीड लिया था, इनकी बात सही है, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन वो लीड कैसे थी, वो बाद में जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ने लगा रिजल्ट आने लगे वो लीड घटने लगी। हाँ। शुरू में लीड इन्होंने लिया था ये बात सही है, मुझे भी याद आता है परिणाम वाले दिन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है 50% नहीं ऊपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमएलसी के चुनाव में भी वही होने जा रहा है। एमएलसी के चुनाव में हम लोग 5 की 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। ठीक है आप दावा कर सकते हैं 5 की 5 सीटें जीतने जा रहे हैं। आपको अधिकार है, आपको मेरी शुभकामनाएं कि आप 5 सीटें जीते। जनता भारतीय जनता पार्टी को दंड देगी और ये दंड कल से ही शुरू हो जाएगा। अरे अरे किदवई जी आपको मेरी शुभकामनाएं, आप 5 सीटें जीते। बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं का, आपको शुभकामनाएं। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि जो हुआ था रिजल्ट में जी, लेकिन जो 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 2022 में हुआ क्या वही एमएलसी चुनाव में भी होने जा रहा है क्या, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए सीटें जीतना बहुत जरूरी है क्योंकि सदन में उनको अपनी भूमिका निभानी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। एमएलसी चुनाव का रिजल्ट क्या होगा, 5-4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, किसके खाते में कितनी सीटें जाती है, कौन इस पर जीत हासिल करता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल यूपी मांगे उत्तर देख रहे थे, आप बने रहिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।